हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से अध्याय 7 लेंगे, जिसका टॉपिक है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। इससे पहले हमने प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि तृतीय क्रियाकलापों से क्या आशय है व तृतीय क्रियाकलापों के कौन कौन से प्रकार हैं। अब बच्चों, जो तृतीय क्रियाकलाप हैं ये सेवा सेक्टर से संबंधित है। अब सेवा सेक्टर में वे सभी कार्य क्रियाकलाप आते हैं जो हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती है, या आय के बदले या पैसों के बदले जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वो हम तृतीयक सेवाओं में लेते हैं उनको। अब उसमें जैसे अध्यापक हो गए, वकील हो गए, परिवहन के साधन हो गए, जैसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, हम सेवाएँ दे रहे हैं उसके बदले हम क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। तो वो सभी कार्य किसमें आते हैं, तृतीयक सेवा में। अब जो तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुखतः जो कार्य सम्मिलित होते हैं वो हैं व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग। ये जो चार प्रकार के कार्य हैं तृतीयक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं। अब हम इसमें एक एक करके जानेंगे सबसे पहले कि व्यापार एवं वाणिज्य क्या है। बच्चों, जो व्यापार है ये अन्य उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है, मतलब सामान खरीदना और बेचना, ये कार्य जो होता है व्यापार में होता है। अब व्यापार दो स्तरों पे किया जाता है, एक हो गया थोक व्यापार, एक हो गया फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार में क्या होता है, जो अनेक बिचौलिए सौदागर जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब थोक व्यापार क्या करते हैं, फुटकर व्यापार को क्या करते हैं, उधार देते हैं। मतलब फुटकर व्यापार का जो कार्य है वो थोक व्यापार से ही चलता है, ये इन्हीं से क्या करते हैं, सामान वामान लेके अपनी दुकान रेहड़ी वगैरह चलाते हैं। फिर थोक व्यापार भी दो तरह के होते हैं, एक हो गया नगरीय आपूर्ति, एक हो गया ग्रामीण मंडी। जो नगरीय क्षेत्र में होते हैं वो नगरीय आपूर्ति, जो नगरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए सामानों का जो इकट्ठा करते हैं वो नगरीय आपूर्ति में। ग्रामीण क्षेत्र में कौन से आएंगे, जो ग्रामीण एरिया वाले क्षेत्रों में बसे होंगे। उसके बाद जो फुटकर व्यापार है, फुटकर व्यापार भी नगरीय क्षेत्र में भी होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। नगरीय क्षेत्र में बड़े बड़े आप दुकानें देखेंगे ये भी, लेकिन कार्य उनसे उनका किससे होता है, थोक व्यापार से। एक साथ थोक में सामान लेके नगरों में दुकानें खोल के सामान बेचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होता है, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वो भी फुटकर व्यापार में कहलाते हैं। अब परिवहन, इसमें प्रमुखतः स्थल परिवहन, जल परिवहन व वायु परिवहन। स्थल परिवहन में रेल और सड़क आ गई, और जल परिवहन और वायु परिवहन। अब इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, जो संसाधन है, खनिज संसाधन है या जो भी कुछ भी सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जाता है। किसके माध्यमों से, यातायात के माध्यमों से। अब जो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें जैसे हो गया संचार। संचार परिवहन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बिना संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुँचाने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, बिना पहले जान में मतलब कांटेक्ट में रह के कि किस प्रकार की आपको सामग्री चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो बिना संचार के माध्यम से नहीं किया जाता है। संचार के अलावा हो गया जनसंख्या का आकार। जहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या होगी वहाँ अधिक मात्रा में क्या होंगे, खनिज संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है सड़कों की दशाएँ। अब परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में सड़कों की दशाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान दशा टाइम में आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर क्या होती है, जो रोड है उनकी दशाएं बहुत ही खराब हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ कुछ ट्रक जो होती हैं गिर भी जाते हैं, और कुछ क्या गड्ढे होने की वजह से अधिक तीव्रगामी, जो वैसे तो सभी तीव्रगामी साधन है लेकिन क्या होता है, सड़कों में गड्ढों की वजह से सड़कों की गलत जो दशाएँ, अच्छी दशाएँ नहीं है उसके कारण क्या होती है, वो काफ़ी देर में वहाँ पहुँच पाती। उससे क्या होता है, काफ़ी सामान खराब हो जाता है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु भी परिवर्तन की को परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख है। जलवायु के बाद हमारा आता है पर्यटन। पर्यटन भी परिवहन के साधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं क्षेत्र में पर्यटक लोग जो घूमने आते हैं वो क्या करते हैं, उस जगह के क्षेत्र से कुछ ना कुछ ले जाने चाहते हैं। अब उन क्षेत्रों में अगर परिवहन की सुविधा नहीं होगी तो हम उन क्षेत्र में क्या अपने सामान को नहीं पहुँचा पाएंगे। उसके बाद है हमारा धार्मिक स्थल हो गए। धार्मिक स्थल भी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख है। धार्मिक स्थल में लोग घूमने आते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, भगवान वगैरह कुछ भी चीज़ें वहाँ की जो फेमस होंगी और आगे को ले जाते हैं। उसके बाद हमारा हो गया व्यापार। हो गया
व्यापार भी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख कारक है। उसके बाद है उद्योग, ये सभी क्या हैं, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है संचार। अब बच्चों जो संचार है इसमें जैसे दूर संचार और श्रव्य दृश्य लिख रखे हैं। अब आप लोगों को पता है जो तृतीय क्रियाकलाप में है दूर संचार भी बहुत ही जरूरी, जैसे मैंने कहा कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में संचार है, बिना संचार के कोई भी कार्य क्या होता है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब दूर संचार में जैसे मोबाइल हो गए वर्तमान समय में, टीवी हो गए, इंटरनेट हो गए, व्हाट्सएप फेसबुक किन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं उस जगह के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है या किसकी नहीं है। श्रव्य दृश्य संसाधनों में वो संसाधन आते हैं जो हम क्या करते हैं जैसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की क्वालिटी चाहिए। हम देख के पता कर लेते हैं कि कपड़ा किस टाइप का है या संसाधन किस टाइप का है। उसके बाद हमारा अगला आता है सेवाएं। बच्चों यहाँ पे सेवाएं हैं, सेवाओं में कौन कौन से आते हैं हमारे, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक। अब बच्चों सेवाओं में जैसे बैंकिंग, अब हम क्या करते हैं वर्तमान समय कोई भी व्यक्ति हो या हर किसी के क्या बैंक में अकाउंट है, अब वो भी एक टाइप का हमारा क्या कर रहे हैं हमारी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, कौन, बैंक वाले, अब वो भी सेवाओं में आएंगे। बीमा कर रहे हैं हम अपने, अपना भी बीमा करते हैं। अचल संपदा है व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक व्यवसायिक। अब सेवाओं में क्या रहता है कि कुछ जैसे हम उद्योग चलाते हैं या कुछ उद्योग हम लोगों को चलाते हैं उसके द्वारा हमें कि मैंने सेवाएं मिल रही हैं, हमारा काम आगे भी बढ़ रहा है, तो हम इन सभी को क्या करते हैं सेवाओं में रखते हैं। अब इसके बाद तृतीय क्रियाकलाप में बच्चे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अक्सर पूछा भी जाता है, पर्यटन क्या है एवं परिवहन पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जो पर्यटन है, पर्यटन एक यात्रा है, इसमें हम घूमते हैं। अब पर्यटन जो है व्यापार की बजाय शांति और आनंद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। अब वर्तमान समय में जो पर्यटन है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। अब वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या कहता है हर जगह घूमना चाहता है, देखना चाहता है, उस जगह के बारे में स्वयं जाके वहाँ महसूस करना चाहता है। इसीलिए पर्यटन जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और तृतीय क्रियाकलाप में सबसे बड़ा जो कार्य है वो पर्यटन ही है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो पर्यटन को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कार्य हैं, पहला है जलवायु। जलवायु में क्या होता है हम किसी जगह में घूमने जाते हैं, हम जलवायु सबसे पहले देखते हैं कि हम वहाँ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, जलवायु के अकॉर्डिंग हम वहाँ किस मौसम में जाना है वो डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद है भूदृश्य, हम उस जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ भूदृश्य हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। फिर है परिवहन, उस क्षेत्र में जहाँ हमें घूमना है परिवहन की सुविधाएं है या नहीं, अगर हम पहुँच तो गए लेकिन वहाँ से कहीं दूसरी जगह घूमने जाना है तो क्या होता है कहीं कहीं पर परिवहन के साधन होते हैं लेकिन क्या होता है काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो कम खर्चे में मतलब कम पूंजी में अधिक ज़्यादा घूम ले उस टाइप के हमें वहाँ परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। अब जीवन स्तर में सुधार, हमारा जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए जिससे हम आगे घूम सकते हैं। इतिहास एवं कला, जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ इतिहास एवं कला हो तो और अच्छा रहता है, क्योंकि इतिहास एवं कला के बारे में जानने से अब हमने इतिहास को तो अपने आँखों से नहीं देखता लेकिन हम उस जगह पर जाके क्या होता है हमें और जल्दी याद हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने के बजाय अपने आँखों से देखो सुनो तब ज़्यादा हमें याद रहती हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, हर जगह का अपना कल्चर होता है, संस्कृति अलग अलग, जैसे उत्तराखंड का अलग होगा, असम का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, नागालैंड का अलग होगा, तो हम लोग क्या करते हैं उस जगह पे जाके वहाँ उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था में हम उनके रहन सहन के स्तर को देख लेते हैं कि उच्च है या निम्न है। फिर है स्वच्छता, स्वच्छता भी पर्यटन की दृष्टि को सबसे प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि हम किसी गंदी स्थानों पर तो घूमने जाएंगे नहीं, जहाँ स्वच्छता साफ हो वहाँ क्या करेंगे हम घूमने जाएंगे। संचार सेवाएँ, कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं, अधिकतर हिल एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्र वहाँ संचार की सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हिल एरिया में कहीं की कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है तो वहाँ संचार सेवाएँ नहीं मिल पाती, जैसे हिमालयी क्षेत्र में जो उच्च पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र में वहाँ थोड़ी नेटवर्क इशू रहता है, बाकी क्या है
पर्वतीय क्षेत्र घूमने की दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं। भय मुक्त वातावरण, अब आजकल आपने देख रखा होगा कि क्या होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं लूटपाट हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ मर्डर वगैरह भी हो जाते हैं, तो हम ऐसे जगह घूमना पसंद करेंगे जहाँ क्या हो, भय मुक्त वातावरण, जहाँ बिल्कुल हमें डर ना हो। बच्चों जो धार्मिक स्थल है ये, इसमें क्या रहता है कि अधिकतर वर्तमान समय में लोग धार्मिक स्थलों में भी घूमना पसंद करते हैं। इसमें बच्चों याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों के नाम, बच्चों याद रखना मंदिर का नाम नहीं पूछा है, धार्मिक नगरों का नाम पूछा है। तो आप उसमें धार्मिक नगर में हरिद्वार लिख सकते हैं, ऋषिकेश लिख सकते हैं, ये एक नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद जो बच्चों हमारा इम्पोर्टेंट है इसके बाद, वो है चिकित्सा पर्यटन। वर्तमान समय में चिकित्सा पर्यटन जो है काफ़ी प्रचलित है। ये बच्चों ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि चिकित्सा पर्यटन है क्या। बच्चों जो चिकित्सा पर्यटन है, जैसे नाम से ही समझ में आए, चिकित्सा जो हमें हॉस्पिटल्स अस्पतालों वगैरह में दी जाती है, अब क्या होता है चिकित्सा पर्यटन में चिकित्सा या उपचार के साथ साथ पर्यटन की भी सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब कुछ विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये क्या हैं बच्चों, विकासशील देश हैं। अब ये जो देश हैं विकासशील देश होने के साथ भी क्या करते हैं, चिकित्सीय पर्यटन के क्षेत्र में क्या होकर अग्रणी होकर उभरे हैं। मतलब यहाँ क्या है, विकासशील देश है लेकिन फिर भी क्या है, विकसित देशों की अपेक्षा यहाँ चिकित्सा पर्यटन जो है अधिक देखने को मिलता है। विकसित देशों में क्या है, चिकित्सा की जो सुविधा है वहाँ अधिक पैसों की ज़रूरत होती है, वहाँ हमारी अधिक पूंजी लग जाती है इन क्षेत्रों में, विकासशील देशों में। विकसित देशों की अपेक्षा कम मात्रा में भी पैसा लगता है और साथ में हम क्या करते हैं, पर्यटक की सुविधा भी देखने को मिलते हैं। अब बच्चों हमारा इसमें अगला टॉपिक है चतुर्थ क्रियाकलाप। अब बच्चों जो चतुर्थ क्रियाकलाप है इसमें व्यक्तियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसको ज्ञानोन्मुख सेक्टर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, बड़े लेवल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, कार्य होता है। इसमें मुख्यतः सूचना आधारित व अनुसंधान व विकास आधारित है। अब इसमें इन दोनों में क्या होता है, जैसे सूचना का संग्रह, कोई भी हमें आंकड़े मिलते हैं, डेटा मिलते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उनको इकट्ठा करके उसके बारे में डिटेल बनाते हैं। वितरण होता है सूचनाओं का, अनुसंधान रिसर्च वगैरह जो बड़े लेवल पे की जाती है और उनका विकास किया जाता है। अब बच्चों इसके बाद आता है पंचम क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत व्यक्ति उच्चतम स्तर के निर्णय लेता है और उन्हीं निर्णयों से जो नीतियाँ बनाते हैं उनसे क्या करता है, उनका निर्माण करता है। अब जो चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग क्या है, एक समान ही है। अब बच्चों इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट, इस लेसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंकी विभाजक। बच्चों अधिकतर तीन नंबरों में पूछा जाता है अंकी विभाजक किसे कहते हैं, तो इसे आप ध्यान से सुनना। अब अंकी विभाजक में क्या होता है कि वे जो विश्व के सभी देशों में, विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होती है समान रूप से विकसित नहीं है। कोई भी देश हैं जैसे विकसित या विकासशील, वहाँ संचार और प्रौद्योगिकी वो एक समान नहीं है। विकसित क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी है, विकासशील देशों में उतनी अच्छी विकसित नहीं है। अतः जिन देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है विकसित है, वहाँ लोगों को सूचना मिलने में बहुत तीव्रता होती है, मतलब कम समय में वहाँ हर एक प्रकार की क्या होती है, सूचनाएँ सुविधाएँ मिल जाती हैं। और वे विकसित देश होने के कारण क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि विकासशील देश में, जो विकसित देश से कम लेवल के हैं विकासशील देश, वहाँ अधिकतर क्या है, सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है वो आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है, जिस कारण वो क्या करते हैं, विकास की दौड़ से पीछे हो जाते हैं। ज़्यादातर इसमें जो बात की गई है वो है विकसित और विकासशील देशों की। विकसित और विकासशील देश क्या हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मामले में एक दूसरे से क्या हैं, ऊपर नीचे हैं। अब विकासशील देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कम होने के कारण क्या, वो विकास की दौड़ में क्या हैं, पीछे हैं। अब यही विकास की दौड़ उनके क्या करती है, अलग अलग देशों में विभाजित कर देती है, जैसे उनको अलग विकसित देश या विकासशील देश, उसी के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, अंकी विभाजक कहा जाता है।
आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे एक देश में, जैसे भारत देश ही ले लीजिए आप, भारत में क्या है, जो विभिन्न राज्यों में इस तरह का को विभाजन हो रहा है, जैसे क्या है, भारत में हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, जो बड़े बड़े नगर हैं, ये बाकी अन्य नगरों की क्या अपेक्षा क्या है, विकसित नगर हैं, अन्य राज्यों की अपेक्षा विकसित राज्य हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, जैसे अगर हम नंबर के स्थान पर रख देंगे कि नंबर 1 में मुंबई है या दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, ये हैं, ये ऊपर के नंबर में आ जाएंगे, बाकी जो कम विकसित, सॉरी, बाकी जो कम जहाँ संचार सूचना प्रौद्योगिकी या वो कोई भी कार्य और ज़्यादा कम मात्रा में, उनको उनको हम नीचे के नंबर में रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको अलग अलग नंबरों में विभाजित कर देती है, जिस कारण इनको अंकीय विभाजक कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट, ये जो है कॉलर का रंग और कार्य की प्रवृत्ति, ये अधिकतर एक ही नंबर में पूछा जाता है, कि कभी कभी पूछा जाए कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो हमें इसका आंसर क्या देना है कि प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऐसे ही स्वर्ण कॉलर श्रमिक जो पंचम क्रियाओं में सम्मिलित रहते हैं, श्वेत कॉलर श्रमिक जो उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में अति जो कुशल कर्मी होंगे उनको हम किस में लेंगे, श्वेत कॉलर श्रमिक में। उसके बाद नीला कॉलर श्रमिक जो क्या है, उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित क्या होंगे, जो कर्मी होंगे, लोग होंगे, उनको हम किस में लेंगे, नीले कॉलर श्रमिक में लेंगे। तो बच्चों आज का ये जो अध्याय 7 था हमारा, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रिया क्रियाकलाप, यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।